जितने लोग जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, दोस्त रहते हैं, उन सबका व्यवहार आपस में जरूर मिलता ही है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर तीन दोस्त हैं, गोलू भोलू टोलू, देख रहे हैं तीनों मिलके इस गोवर्धन दास का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। ये तीनों का नेचर मिल रहा है, आपस में खूब पट रहा है। तो इसका कंसेप्ट में कैसे प्रयोग है, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए लास्ट तक, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और लास्ट में इसमें बहुत अच्छा ट्रिक बताने वाला है जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिएगा, जितने लोगों का नेचर सेम होता है, प्रकृति सेम होता है, वो समीकरण में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर डी लिखा हुआ है, तो समझिएगा ए यदि लेंथ हो गया तो बी भी लेंथ हो जाएगा, सी भी लेंथ हो जाएगा, डी भी लेंथ हो जाएगा। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर डी है तो ए लेंथ हो गया तो बी भी लेंथ हो जाएगा, सी भी लेंथ हो जाएगा, डी भी लेंथ हो जाएगा। यानी सबका नेचर सेम है तभी जुट रहा है। एफ बराबर दिया हुआ है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, ठीक है। तो ये यदि फोर्स है तो ये भी फोर्स हो जाएगा, ये भी फोर्स हो जाएगा, यानी ये फोर्स हो गया तो ये भी फोर्स हो जाएगा, ये भी फोर्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि फोर्स में फोर्स जुट रहा है तभी रिजल्ट में फोर्स आएगा। तो चलिए, इसका मतलब है कि तीनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। एफ का डायमेंशन सेम है अल्फा टी स्क्वायर के, बराबर है बीटा टी के। चलिए यहां पे कुछ ना कुछ कट रहा है, चलिए कटेगा, टी स्क्वायर से टी कट जाएगा, एक और टी बचेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा टी बराबर क्या हो गया यहां पर बीटा। चलिए अब यहां पे क्या बच जाएगा, अल्फा टी ये बीटा आके इधर डिवाइड हो जाएगा, अल्फा टी बाई बीटा बराबर क्या हो गया वन। और जो वन आ गया इसका मतलब वो वन क्या है, वन का मतलब होता है इसमें डायमेंशन लेस। क्या मतलब होता है डायमेंशन लेस, इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई डायमेंशन नहीं है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अब ट्रिक क्या है समझिएगा, जितने हमारे दोस्त होते हैं जैसा हमारा व्यवहार होता है उन दोस्तों का भी व्यवहार लगभग वैसा ही रहता है, तभी हमारे वो दोस्त बने हुए रहते हैं।